हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपकी दोस्त एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको नाप बता देती हूँ। ये मेरे 3-3 इंच के चार पीस हैं, ये भी मेरे 3-3 इंच के चार पीस हैं, और ये भी मेरे 3-3 इंच के चार पीस हैं, ये मेरे 2.5-2.5 इंच के चार पीस हैं। तो मैं इनको सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको इस तरीके से सेट करने हैं कि हमें ये दो पीस ऐसे जोड़ने हैं और दो पीस ये लेने हैं, और जो ये वाइट वाले पीस हैं इनके साथ हमने एक एक पीस ये ले लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ऐसे जोड़ने हैं। अब क्या करेंगे, हमको ये चारों पीसों में ये जो चार पीस हैं और ये जो दो अलग से पीस हैं, तो इनको क्या करेंगे, इन सब पर हम लाइन लगाएंगे। लाइन लगाना मैंने आपको सिखाया हुआ है फ्रेंड्स, तो हमें सेम ऐसे ही करना है कि हम इन सब पर लाइन लगाएंगे और साइड साइड में से सिलेंगे। तो मैं इन सब पे लाइन लगा लेती हूँ और सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये सारे पीस तैयार हो गए हैं। अब हम इनको कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कैसे सिलाई लगाई है ये आपको हम दिखा देते हैं। अब हम इसको हम बीच में से कट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स, हमने बीच में से कट कर लिया और ये हमारे डबल शेड के टू पीस हो गए। तो हम ये सारे कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस सिल गए हैं और मैंने कट कर लिए सफाई से। और देखिए, अब मैं इनको, ये मैंने 2.5-2.5 इंच के नाप लिए हैं। अब मैं इनको, इनका डिज़ाइन सेट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन लगा लिया है, सेट कर लिया है। अगर आपको इस डिज़ाइन को बड़ा बनाना है तो आप उसी हिसाब से इसका नाप बढ़ा दीजिए। जैसे कि ये जब डबल शेड के हम पीस लेते हैं, इसको सिलने से पहले मैंने इसको, जैसे ये मेरा 2.5 इंच का पीस है, 2.5 इंच का, तो हमने ये 0.5 इंच बढ़ा दिया ताकि ये हमारा बाद में बीच में से हम जब जोड़ लगाते हैं तो वो हमारा सिलाई में दब जाए, इतना मार्जिन हम लेते हैं। तो अगर हमें 5 इंच का ये पीस, हमें 5 इंच का लेना है तो हम इसको 5.5 इंच लेंगे, 6 इंच का ये लेंगे तो ये 6.5 इंच का लेंगे। तो इसी हिसाब से नाप हमारा बड़ा हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम इन टुकड़ों को आपस में जॉइंट करते हैं। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, हमेशा की तरह जैसे मैंने हर वीडियो में दिखाया है, ये हमने ये पीस पलट दिए हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इधर भी ये पीस हमने पलट दिए हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इस इधर जगह सिलाई लगाएंगे और इधर जगह सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हो गए हैं। अगर आप ऐसे करके सिलना चाहें तो ऐसे भी सिल सकते हैं, और अगर ऐसे चाहें तो ऐसे भी सिल सकते हैं कि हमारे ये इस तरीके से है। तो यहाँ सिलाई लगाएंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, जोड़ को जोड़ से मिला के। तो मैं ये सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पलटेंगे, यहाँ सिलेंगे और इसको भी यहाँ सिलेंगे। सिलाई को सिलाई से जोड़ के रखना है फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसे सिल गया है। अब हमारा लास्ट जोड़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई को सिलाई से जोड़ेंगे, यहाँ पिन अप कर लेंगे और यहाँ से सिलेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए बाय।